अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी। वो टर्म्स अगर आपको समझ आ जाएंगी तो फिर नोटोकॉर्ड को लिखना या समझना बहुत इजी हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो जर्म लेयर्स अभी तक प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एपिब्लास्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज द हाइपोब्लास्ट, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, टू जर्म लेयर्स, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, और इसमें क्या अपीयर होना शुरू होती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। 15 to 16 डे एम्ब्रियो में ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो काफ़ी वाजिया तौर पर नजर आ रही होती है। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक का क्रेनियल की तरफ जो बल्जिंग एंड है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव नोड, और इसके अंदर एक एलिवेटेड एरिया होता है स्मॉल सा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव पिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये एक सीढ़ी है या एक रास्ता है जहाँ से डिफरेंट सेल्स ने मूव करना है और डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज होना है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसका जो ये एलिवेटेड एरिया, दिस इज द प्रिमिटिव नोड, एंड ये बीच में क्या बड़ी हुई है, प्रिमिटिव पिट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूचर ओरल कैविटी, जिसको फिलहाल हम बोलते हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो हमारे क्रेनियल मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है बच्चों, एक तो आपने ये याद रखना है ये क्या है हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, दूसरा ये याद रखना है ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव नोड है, ठीक है। बीच में प्रिमिटिव पिट है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अच्छा, अब तीसरी बात पे आते हैं, ये जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल साथ हमारे पास एक प्लेट पड़ी होती है, ठीक है, एक सेल्स की प्लेट पड़ी हुई है। उन प्लेट को या उन सेल्स को हम बोलते हैं, उस प्लेट को हम बोलते हैं प्री कॉडल प्लेट, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में इसी प्री कॉडल प्लेट से हमारे पास क्या होनी है, फोर ब्रेन की इंडक्शन, ठीक है। फ्यूचर में ये फोर ब्रेन की इंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने याद रखना है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ एक प्लेट पड़ी हुई है, और उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, प्री कॉडल प्लेट बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई, प्री कॉडल प्लेट, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव पिट एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक हो गया। ये एपिब्लास्टिक सेल्स हैं, ये हाइपोब्लास्टिक सेल्स हैं। अब बच्चों, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जैसे हमने गैमेट्स भी पढ़े थे, तो गैमेट्स के लिए भी हमने देखा था कि उनके लिए बॉडी में क्या पड़े होते हैं, पहले से उनके बुनियादी सेल्स पड़े होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू मूव करके गोनाड्स में आते हैं, और वो वहाँ पे वो गैमेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह अब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो नोटोकॉर्ड के कुछ प्रिकर्सर सेल्स भी तो हैं ना बॉडी में, सो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्री नोटोकॉडल सेल्स। वो डिफरेंट रास्तों के थ्रू होते हुए अपनी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचेंगे और क्या बन जाएंगे, नोटोकॉर्ड बन जाएंगे। किस तरह से, इसी एपिब्लास्ट में से प्री नोटोकॉडल सेल्स अपीयर होते हैं, ठीक है, और वो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है बच्चों, वो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करते हैं डाउनवर्ड, लेटरली एंड देन क्रेनियली, ठीक है। अभी जब ये प्री नोटोकॉडल सेल्स मूव कर रहे हैं तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एपिब्लास्ट भी है और हाइपोब्लास्ट भी है। सो ये सेल्स हमारे पास क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, और ये एपिब्लास्ट एंड टेम्परेरली तौर पर हाइपोब्लास्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। प्री नोटोकॉडल सेल्स ने क्या किया, हाइपोब्लास्ट के अंदर जाके क्या हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गए टेम्परेरली, ठीक हो गया। अब कोई भी सेल्स बच्चों आप याद रखना है, जब पहले होते हैं तो पहले वो प्लेट की शक्ल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सेल्स हैं वो पहले ऐसे प्लेट की शक्ल लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में वो फोल्ड होते हैं तो फिर वो एक ट्यूब की शक्ल ले लेते हैं या कॉर्ड की शक्ल लेते हैं। न्यूरोलेशन में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो ये सेल्स भी अभी जाके सिंपली इनकॉर्पोरेट हुए हैं एक प्लेट की फॉर्म में। किसके साथ जाके इनकॉर्पोरेट हुए हैं, हाइपोब्लास्ट के साथ इनकी दोस्ती हुई है, ठीक है। अब ये होगा कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि एपिब्लास्टिक सेल्स जाएंगे और इस हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर देंगे। एपिब्लास्टिक सेल्स इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में से जाएंगे, जो उनकी पहली लेयर जाएगी वो इस हाइपोब्लास्ट को क्या करेगी बच्चों, डिस्प्लेस कर देगी, और इस हाइपोब्लास्ट की जगह क्या बना देगी, एक नई लेयर बना देगी सेल्स की, और उस नई लेयर को हमने क्या नाम दिया है, एंडोडर्म, ठीक है। अब ये जो नई लेयर बनी है दैट इज एंडोडर्म, और उसने हाइपोब्लास्ट को यहाँ से हटा दिया है। कुछ बुक्स कहती हैं कंप्लीटली हटा देती है, कुछ कहती हैं कुछ हाइपोब्लास्टिक सेल्स रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक यही समझना है कि हाइपोब्लास्टिक सेल्स यहाँ से क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। हमारे पास क्या बनी हुई है, प्लेट बनी हुई है, ठीक है, दैट इज नोटो, प्री नोटोकॉडल सेल से बनी है तो क्या बनेगी, नोटोकॉडल प्लेट, ठीक है। अब क्योंकि ये नोटोकॉडल प्लेट किसके साथ इनकॉर्पोरेट हुई थी, हाइपोब्लास्ट के साथ, लेकिन उनको तो क्या कर दिया, एंडोडर्म्स ने आके डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कहेंगे कि जब हाइपोब्लास्ट ही नहीं है जिससे हमारी दोस्ती थी, तो हमने भी एंडोडर्म के साथ नहीं रहना, ये भी खुद को इस एंडोडर्म से डी अटैच करेंगे। जब ये इसको अपने साथ से इसके साथ से डी अटैच होंगे ना बच्चों, तो ये वाले जो प्लेट की फॉर्म है ये कॉर्ड की शक्ल ले लेगी, ठीक है। तो ये प्लेट क्या बन जाएगी, एक कॉर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस कॉर्ड को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब इस नोटोकॉर्ड के नीचे जो है, जिससे इसने खुद को डिस्प्लेस किया है, दैट इज
एंडोडर्म, ठीक है, जो हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करके बना है। बाकी इसके साथ यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मीजोडर्म। लेकिन आपने याद रखना है जिस रीजन में नोटोकॉर्ड होगा वहाँ पे मीजोडर्म नहीं होता, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ऊपर जो एपिब्लास्टिक सेल्स रह गए हैं वो ऊपर क्या लेयर बना लेते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास क्या है बच्चों, एक्टोडर्म, दरमियान में क्या है मीजोडर्म, और यहाँ क्या है हमारे पास, दिस इज एंडोडर्म, और दरमियान में क्या बन चुका हुआ है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड किस तरह से बना है, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स की वजह से बना है। और अगर हम इस डिस्क के अंदर, ये तो इसका एक ऐसे वाला व्यू हो गया ना, अगर हम किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल ये एक बुक है और हम इसको इस तरह उठा के देखेंगे तो इसकी लेयर्स में हमें यहाँ पे एक बीच में दरमियान में अगर कोई कॉर्ड है, ये फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है, अगर